हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी एकदम पंजाबी स्टाइल में परफेक्ट करी पकोड़ा आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ आज ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस कढ़ी में मैंने ना तो प्याज का यूज़ किया है और ना ही लहसुन का। तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाना पसंद करते हैं या फिर नहीं खाते हैं, वो लोग भी इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चने दाल को भिगो करके रख दिया था, बस 50 ग्राम जितना है। इसको आपको 6 घंटे पहले भिगो कर रख देना है और यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसे मिक्सर जार में ऐड करके अच्छे से एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसके साथ ही मैं एक हरी मिर्च भी ऐड कर दूँगी। तो चलिए एक हरी मिर्च ऐड कर लेते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो 2-3 भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एकदम बारीक सा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक तैयार करना है आपको। तो इस रेसिपी में मैं आपको एकदम सॉफ्ट पकोड़े बनाना बताऊँगी। बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो पकोड़े होते हैं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से बनाकर देखिएगा। यहाँ पर मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लूँगी और इसके बाद यहाँ पर आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है आपको। साथ ही 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड कर लीजिए और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लूँगी आधा छोटी चम्मच के करीब। तो यहाँ पर थोड़ा सा हींग ऐड कर लेती हूँ और साथ ही यहाँ पर आपको ऐड करना है थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड कर लीजिए। बस इतना ही ऐड करना है आपको और सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पकोड़े बनाएंगे चने दाल का, तो आपके पकोड़े कभी भी हार्ड नहीं पड़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो ट्राई करके देखिएगा। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि मैंने इसमें लहसुन प्याज का यूज़ भी नहीं किया है। तो आप लोग भी इसे आराम से बना के खा सकते हैं जिन लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, उसे साइड में रखते हैं। और साथ ही यहाँ पर इस चम्मच से मैं 5 चम्मच बेसन ले लूँगी और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर लेना है आपको। साथ ही यहाँ पर आधा छोटी चम्मच के करीब धनिया जीरा पाउडर लेना है। यहाँ पर ऐड कर लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही यहाँ पर आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करना है आपको। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसके बाद आपको ऐड करना है लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर मैं 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लूँगी। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर साबुत जीरा ऐड करना है आपको 1 छोटी चम्मच के करीब और यहाँ पर हींग ऐड कर लूँगी आधा छोटी चम्मच और आपको फिर लास्ट में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब नमक ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर इतना ही आपको ऐड करना है और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके अच्छे से सारे को मिक्स करके एक घोल तैयार करना है आपको। तो चलिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो कढ़ी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान होती है और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी इस रेसिपी को बहुत ही आराम से बना सकते हैं, क्योंकि सारे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। तो यहाँ पर अच्छे से घोल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेमन का जूस ऐड करना है आपको। अगर आपकी दही या फिर छाछ ज़्यादा खट्टी है तो आप मत करिएगा, लेकिन अगर कम खट्टी है तो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरा एक घोल बेसन का तैयार है, तो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ छाछ। तो यहाँ पर मेरे पास अमूल का बटर मिल्क है, यानी छाछ है, तो मैं ऐड कर देती हूँ। अगर आपके पास घर वाला दही या फिर घर वाला छाछ है तो आप वो भी ऐड कर ले, या फिर कोई भी ब्रांड का है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छाछ को ऐड कर दी हूँ, इसे मैं बेसन के घोल के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी। तो इस तरीके से हमारा जो कढ़ी का घोल है बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं लगभग 1.5 गिलास जितना। इससे क्या होगा कि हमारी जो बेसन हमने ऐड किया है ना, उससे थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो
बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाएगा आपका करी, तो आपको पानी ऐड करना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास जितना पानी ऐड कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पर मेरा परफेक्ट छाछ का घोल बनकर तैयार है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सरसों का तेल ऐड कर लूँगी एक कढ़ाई में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सरसों का तेल ऐड किया है, और यहाँ पर फ्लेम को आपको हाई करना है क्योंकि मैं पकोड़े तलने वाली हूँ, और मैं सरसों के तेल में ही पकोड़े को तलूँगी। सरसों के तेल वाले पकोड़े खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे पकौड़ों को ऐड कर दिए हैं। आप साइज अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा या मीडियम रख सकते हैं। जब पकौड़े एक साइड से सिक जाए तो आपको इसे पलट करके दूसरे साइड से भी सेक लेना है, और आपको मैं दिखाऊंगी किस कलर तक आने तक इसे सेकते रहना है। तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको रेसिपी को पूरा देखना चाहिए, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आपको पकोड़े या करी बनाने में। तो यहाँ पर देखिए मैंने पकोड़े तल कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर सारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, और ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट मेरे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। और जब ये करी के अंदर जाएगा तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो तेल था मैंने आधा निकाल लिया है, और उसी तेल में 2 लाल मिर्च को तोड़ करके ऐड कर दी हूँ। साथ ही आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच मेथी, और थोड़ा सा हींग मैंने ऐड किया है, और यहाँ पर 2 तेज़पत्ता भी ऐड कर दी हूँ। अगर आपके पास करी पत्ता हो तो वो भी ऐड कर दीजिए, मेरे पास फिलहाल नहीं थे तो मैंने ऐड नहीं किया है। और यहाँ पर जो मैंने घोल बनाकर तैयार किया था करी के लिए, उसे भी मैं ऐड कर लूँगी। और साथ ही इसमें आपको पानी ऐड करना है, जितना आपका कढ़ी का घोल था लगभग उतना ही आपको पानी ऐड कर लेना है। तो बस इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सारे चीज़ें को एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर ले, और हाई फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ दे जब तक कि इसमें अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता है। और यहाँ देखिए अच्छे से बॉयल तो आ चुका है, पर इसे आपको 15 से 20 मिनट तक पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब बॉयल आ जाए तो यहाँ पर आपको सारे पकोड़े को ऐड कर लेना है, और एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। और यहाँ पर करी को आपको तब तक पकाना है पकोड़ों के साथ जब तक कि अपनी क्वांटिटी से आधा नहीं हो जाता है तब तक, क्योंकि हमने जैसा करी का घोल तैयार किया था वो गाढ़ा था, लेकिन जब हमने इसमें पानी ऐड किया है तो इसका जो घोल है बिल्कुल पतला हो चुका है। तो करी जो होता है थोड़ा गाढ़ा होता है तो खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं इसे पूरा गाढ़ा करूँगी, और इसे अच्छे से फुल फ्लेम पर आपको अच्छे से पका लेना है। तो अगर आपको आज की करी पकौड़ों की रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल पर विजिट करिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी मेरे चैनल पर रेसिपी देखने को मिल जाएगी, तो आप वीडियो को जा कर के देख सकते हैं, और उसे अपने फैमिली के साथ बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले से थोड़ा आधा हो चुका है, पर कढ़ी हमारी फिर भी यहाँ पर गाढ़ी नहीं हुई है, थोड़ा सा पतला है। तो यहाँ पर हम कढ़ी को और पकाने वाले हैं। और एक चीज़ और, आप करी को जितना ज़्यादा पकाते हैं करी में टेस्ट उतना ज़्यादा आता है, चाहे वो छाछ घर का हो या फिर मार्केट का हो। वैसे तो जो मार्केट वाले छाछ होते हैं उसे बहुत ही जल्दी करी बनकर तैयार हो जाता है घर के दही या फिर छाछ की तुलना में, लेकिन फिर भी आप करी को जितना ज़्यादा पकाते हैं करी में टेस्ट उतना ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से मिक्स करते रहना है, फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है, और ध्यान भी देना है ताकि कढ़ी ऊपर गिर ना जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ी जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक तड़का लगा रही हूँ। तड़का में मैंने हींग, जीरा, लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च का यूज किया है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कढ़ी का कंसिस्टेंसी कितना परफेक्ट हो गया है, और कढ़ी जैसे जैसे ठंडा होता है ना उसकी कंसिस्टेंसी और ठीक होती जाती है। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, तो बिल्कुल आपको ऐसा ही रखना है। तो
तो देखिए कितना मस्त एकदम सॉफ्ट पकोड़े और कढ़ी बन करके तैयार हो गए हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से आप भी परफेक्ट पंजाबी कढ़ी पकोड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगली वीडियो में।